अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पूरे सुरूर पर हैं। आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है इन 28 सीटों के लिए। हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। उन्होंने कमलनाथ जी को कमल सेठ कहा है। सर क्यों ऐसा कहने की जरूरत पड़ रही है? ये हम थोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इस प्रदेश के देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति सेठ ही तो होंगे, तो मैंने कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। मैंने तो कमल सेठ कहा है, सम्मान के साथ कहा है कि कमल सेठ जी लोकतंत्र प्यार से चलता है, लोकतंत्र लोकतंत्र के तरीके से चलता है, पैसे के बल पर नहीं चलता। आप दुनिया के अंदर सबको खरीदना चाहते हैं, इस पर लोकतंत्र नहीं चलता कमलनाथ जी। इसलिए मध्य प्रदेश का जनमानस जिस प्रकार से आपको भ्रम हो गया कि मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे चुना था, मध्य प्रदेश का मैं जन नेता हूं, आपको भ्रम हो गया गलती से। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता आपको आयना इन 28 विधानसभा के चुनाव में दिखा देगी, और दिखा दिया है। आपने स्वीकारोक्ति दे दी है कि हम 28 के 28 से हार गए, तब भी हम बी प्लान हमारा तैयार है, जो मुझे मीडिया के मित्रों ने कहा। मैंने सुना नहीं है लेकिन मीडिया के मित्रों ने कहा है, तो कैसा बोल रहा है? दिग्विजय सिंह पर भी आपने टिप्पणी की, पीछे पर्दे के पीछे सरकार चला रहे थे, वैसे ही काम निवर्तन आना चाहिए उनको। सरकार आप चला रहे थे और वोट मांगने के लिए कमलनाथ जा रहे हैं। अरे सरकार चला रहे तो जिम्मेदारी से आइए ना मैदान के अंदर। और आपने जो दिग्विजय सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर जो जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, या तो आप चुनाव आयोग के सामने जाकर के साक्ष्य दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी डिफेमेशन का केस भी करेगी, आपके ऊपर FIR कराएगी, और आपको जवाब इस चुनाव के अंदर दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब आपको देगी। आईफा बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय चुनाव। आईफा बड़ा मुद्दा इसलिए बना है कि आप केवल फिल्मी स्टार्स सलमान और जैकलिन के साथ फोटो खिंचाने में मस्त थे, मध्य प्रदेश का इनके आधार पर विकास करना चाहते थे, लेकिन आपको कोरोना की चिंता नहीं थी, आपको मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजनाओं को आपने बंद कर दिया, आपने प्रधानमंत्री आवास में 2,43,000 घरों को इसलिए वापस कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है 25% मैचिंग ग्रांट के लिए, और आपने उन गरीबों का हक छीन लिया, और आईपा वार्ड के लिए आप उद्योगपतियों से कह रहे हैं पैसा दो, जांच हो रही है इसकी। मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से ऑफिशियली उन ट्रस्टों में पैसा डलवाया है, 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे आईपा वार्ड के लिए, मध्य प्रदेश को लूटने के लिए। ये पैसा कहां से आया? इन गरीबों की योजनाओं को बंद करके उस पैसे को लूटा। एक आखिरी आखिरी सवाल, चुनाव आयोग है उन्होंने प्री पोल पे प्रतिबंध लगा दिया, बीजेपी का प्री पोल क्या कह रहा है? बीजेपी का प्री पोल ये है कि कमलनाथ जी ने स्वीकार ही कर लिया जो आप लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा बी प्लान तैयार है, मतलब आप हार रहे हैं, 28 सीटें जीतेंगे। बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 28 में से 28 सीटें जीतने वाली है। उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें कमल सेठ कहा है। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।